हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली इनकम टैक्स में टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा ईमेल भेजा जा रहा है, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो मेल आ रहा है उसका कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये ईमेल का मीनिंग क्या है, कौन से केसेस में आपका इनकम टैक्स रिटर्न आइडेंटिफाई होगा अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न इस केस में आइडेंटिफाई भी हो गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पूरे ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक। एंड क्विक एंड इम्पोर्टेंट नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कौन से केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स रिटर्न आइडेंटिफाई करेगा अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो यहाँ पे फर्स्ट दो सिचुएशन है कि अगर आप एज ए सैलराइड पर्सन आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें आपने चैप्टर 6A के डिडक्शंस लाइक ATC, ATD के जो चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है वो हायर क्लेम किए हैं। हायर क्लेम डिडक्शन करने की वजह से आपका जो TDS का रिफंड बन रहा है वो आप TDS का रिफंड भी हाई क्लेम कर रहे हो। एंड वो जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो फॉर्म 16 है उनसे डिफरेंट है। देन सेकेंड सिनेरियो ऐसा भी है कि आपने जो सेक्शन 10 के जो डिडक्शंस है वो भी हायर क्लेम किए हैं लाइक HRA और एनी अदर लाइक जो भी डिडक्शंस है वो आपने फॉर्म 16 से डिफरेंट जो अमाउंट है उसके तहत आपने क्लेम किए हैं। तो यहाँ पे बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न आइडेंटिफाई होगा अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आपका केस ऐसा आइडेंटिफाई भी हो गया है ना, आपको ऐसा ईमेल भी आया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा देखना है कि आपका जो भी क्लेम रिफंड है अगर वो करेक्ट है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपली आपको वो क्लेम जो नोटिस आया है, ईमेल आया है, उसका रिस्पॉन्ड में आपको अग्री करना है। बट यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने जो भी रिफंड क्लेम किया है उसमें अगर से सपोज कि कोई आपने फेक डिडक्शन क्लेम करके आपने हाई TDS अमाउंट रिफंड क्लेम किया है तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे केयर करनी है। एंड आपको यहाँ पे जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसको रिवाइज्ड करना पड़ेगा विथ आपका जो भी करेक्ट क्लेम ऑफ रिफंड है उसमें एंटर अमाउंट डाल के, यानी कि आप जो रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न डालोगे उसमें आपको करेक्ट डेटा के हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना है। यहाँ पे ये जो मेल आया है उसके 30 डेज में, यानी कि रिसिप्ट ऑफ मेल के 30 डेज में यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो विद इन 30 डेज, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा एंड आपको आपका रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ये जो मेल आया है वो टू बी वेरी सीरियस है। अगर आपका पूरा क्लेम अमाउंट करेक्ट है देन आपको एग्री करना है, अगर नहीं है देन आपको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अभी हम पूरा ही स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे सबमिट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो पेंडिंग एक्शन है वो टैब पे क्लिक करना है। पेंडिंग एक्शन की टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क लिस्ट दिखा जाएगा, देन वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है। वर्क लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऐसे दो टैब दिखेंगे, फॉर योर एक्शन एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो ये फॉर योर एक्शन है यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखेगी कि ये असेसमेंट ईयर एंड देन रिफंड क्लेम, डेट ऑफ फाइलिंग, देन यहाँ पे आपको सबमिट रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पे टैक्स पेयर को ये भी हो रहा है कि उनको मेल आ गया है बट यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट विल टेक अ टाइम 3 to 4 या 5 डेज का टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे चेक करते रहना है। अगर आपका यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में एक्शन आ गया फॉर योर एक्शन करके देन आपको तुरंत यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे दिखा बताया कि अगर आपका क्लेम अमाउंट क्लेम जो है वो सही है, देन आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, आई हियर बाय स्टेट दैट द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। पूरा ही करेक्ट है देन सही टिक करना है। अगर उसमें कोई आपने फैक्ट डिडक्शन क्लेम करके कोई हायर टीडीएस अमाउंट रिफंड क्लेम किया है, देन आपको सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है और चूज करने के बाद आपको फाइनल सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। तो इतना सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, बट इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अगर आप इसका रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।